हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आप बिलीव नहीं करोगे, पिछले 10-12 दिन के अंदर में मैंने क्या देखा, जितने जब भी डाउट सेशन के टाइम पे बैठता हूँ तो डाउट्स कम आते हैं बच्चों के, ये सवाल ज़्यादा आते हैं कि सर लॉकडाउन हुआ है, अब आगे क्या होगा, एग्ज़ाम होगा अभी कि नहीं होगा, पोस्टपोन हो गया तो फिर क्या करेंगे, एग्ज़ाम आपका कहीं डेट और तो शिफ्ट नहीं हो जाएगा, दुनिया बचेगी कि नहीं बचेगी, ऐसे भी लोगों ने सवाल किए। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि इतना अच्छा जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिला हुआ है, इसको मतलब यूज किए बगैर आप उल्टी सीधी बातों पे आप ध्यान लगा रहे हैं। जरा सोचो, अगर मैं सीएस किसी का भी बच्चा हूँ, अब हमारे एग्जाम जून में होने वाले हैं, हमारे पास प्रॉपर टाइम मिला हुआ है, जितने सारे डिस्टर्बेंस पहले होते थे, हमारे दोस्त हमारे रिलेटिव जो घर में आते थे पढ़ने के लिए परेशान करते थे, ना पढ़ाई करो घूमने चलो, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था कि आपने क्या करना है कि आपको प्रॉपर तरीके से कोर्स फिनिश कर लेना है। एग्ज़ाम टाइम पे हो तो भी आपके लिए ठीक है, अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा तब भी आपके लिए ठीक होगा। अगर एग्ज़ाम आपके गिवन टाइम पे होता है तो आपने कोर्स को बहुत अच्छी तरीके से आपने तैयारी कर ली है, आप उसका रिविज़न कर रहे हो। अगर मान लो पोस्टपोन भी होता है तो भी आपने प्रॉपर तरीके से कोर्स ख़त्म कर लिया है, आगे आपको रिवीजन करना है। तो ये उल्टे सीधे सवाल जो आपके दिमाग में आते हैं, एक बच्चा तो मुझे फ़ोन करके बोला था डाउट सेशन के टाइम पे कि सर कहीं दुनिया ही ख़त्म हो गई तो फिर पढ़ने से क्या फ़ायदा। ऐसे बदमाश बच्चे हैं कि अरे दुनिया ख़त्म हो जाए तो फिर सभी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जब तक दुनिया है तब तक कम से कम टाइम को ठीक से यूज तो करें, कुछ और नॉलेज गेन करके जाएंगे अगले जन्म में, तभी तो मज़ा निकल के आएगा। आप ये सब फालतू की बातों में ना पड़े, निगेटिव थाट्स को ना आने दें, सब कुछ रिकवर्ड होगा, सब कुछ सिस्टम फिर से चलना शुरू हो जाएगा। और ये जो आपको लग रहा ना कि और टाइम आपके लिए गलत टाइम है, आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं, बशर्ते कि दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें रखें। मैंने भी इस टाइम पीरियड में जब घर में बैठा हूँ, मैंने कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे बना के रखे हुए हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा मैं उस पर काम करना शुरू करूँगा। आपको भी ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि ठीक है जी, एग्ज़ाम पे टाइम पे हुआ तो अच्छी बात है, एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और खासकर जो हमारे 12th क्लास के बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम बीच में फंसा हुआ है, उनको भी आपका वेट नहीं करना। अगर उनको लगता है कि 12th क्लास के बाद अब मान लो पता नहीं एग्ज़ाम हमारा कब होगा, और आपने कोर्स प्रॉपर तरीके से आपने रिवीजन कर लिया है, आपकी तैयारी प्रॉपर तरीके से हो चुकी है, तो इस टाइम पीरियड में अगर आपका मकसद सीएस कुछ भी करना है तो आप उसकी तैयारी शुरू कीजिए। घर में बैठकर सोकर उल्टे सीधे दिमाग में ख्याल आकर दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, एग्ज़ाम कब आएगा, इन सब बातों को सोचने में टाइम बर्बाद करने के बजाय आप इसको पॉजिटिवली लीजिए, आप इसको प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कीजिए, आपको मज़ा आएगा, इन्जॉय कीजिए इस टाइम को। ये दिक्कत ये परेशानी सबको आई है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं रोज़ अपने डाउट सेशन के टाइम पर बात कर रहा हूँ, जो पढ़ रहे हैं, जो आगे उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। अगर उनको वो सीएमए इंटर के बच्चे हैं, सीए इंटर के बच्चे हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चे हैं, तो अपना ग्रुप तैयार करके उन्होंने छोड़ दिया कि अब मैं रिवीजन कर रहा हूँ। वो पूछते हैं कि सर अब रिवीजन क्या करूँ, नया रिवीजन क्या करूँ। ये इन सब बातों में नहीं पड़ते कि अब दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, अगर मान लो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, एग्ज़ाम नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, या फिर सर एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, ये भी पूछना या सोचना बेवकूफ़ी है। अरे आपका जो डेडलाइन है, आप उस डेडलाइन पर कूल माइंड होते हुए आप उसकी तैयारी करें, उसको ख़त्म करें, उसका एक अच्छे से प्रिपरेशन करें, अब रिवीजन करना शुरू करो, ताकि जैसे ही काम जो उल्टे सीधे बच्चे हैं ना जो सोच रहे हैं टाइम बर्बाद कर रहे हैं उसमें आप ना आए और उनसे आप आगे निकले। मैं चाहूँगा कि आप पढ़ाई करें और अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, दिमाग शांत रखें, पॉजिटिव थिंकिंग्स पॉजिटिव थाट्स को दिमाग में लेकर आए, ये जो उल्टी सीधी बातें इसको दिमाग से निकालें। और हाँ, ये दुनिया ख़त्म नहीं होगी, जब मैंने आपको बताया वो लेक्चर के अंदर में कि मैं कौन हूँ, तो मैं जानता हूं कि इस दुनिया को अभी ख़त्म नहीं होने दूंगा। आप पढ़ाई कीजिए और बस पढ़ाई कीजिए, इन्जॉय कीजिए इस टाइम को भी, दिक्कतें हैं सबके साथ दिक्कतें हैं, बट इसको भी इन्जॉय करना है कुछ नए चीज़ों के साथ। आप सबको बाय बाय टाटा, मिलते बच्चे आगे पढ़ाई के टाइम पे, ऐसी थिंकिंग्स को दिमाग में आप नहीं आने देंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी।